हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना, भारत के अभिन्न हिस्से पर रौब जमा रहा। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे से तिलमिला रहा, भारत ने भी धूर्त चीन को तबीयत से फटकारा। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है और शायद ये बात चीन को समझ में नहीं आ रही है, तभी तो वो समय समय पर ऐसी हरकतें करता रहता है जिस पर भारत का मिजाज गर्म हो जाता है। भारत को चीन को उसकी औकात पर लाना पड़ता है। अब पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से ही चीन को आपत्ति है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और उस पर चीन का कोई जोर चल ही नहीं सकता। चीन चाहे कितनी ही आपत्ति दर्ज क्यों न करा ले, लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का उसे कोई हक नहीं है और न ही भारत के अपने क्षेत्र पर रौब जमाने का। तभी तो चीन ने जैसे ही पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे को लेकर तिलमिलाहट दिखाई, वैसे ही भारत ने भी चीन को तगड़ा सबक सिखा दिया है। विदेश मंत्रालय ने चीन की आपत्तियों पर उसे फटकार लगाते हुए साफ कह दिया है कि हम चीन की टिप्पणियों को खारिज करते हैं। चीन का इस तरह की यात्राओं या भारत के विकास परियोजनाओं पर आपत्ति करना सही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष की टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते रहते हैं, जैसे वो भारत के अन्य राज्यों का दौरा करते हैं। चीन का इस तरह की यात्राओं या भारत के विकास परियोजनाओं पर आपत्ति करना सही नहीं है। फिर चीन को और तल्ख भाषा में समझाते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, चीन की आपत्ति इस वास्तविकता को नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीनी पक्ष को कई मौकों पर इस निरंतर स्थिति से अवगत कराया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की चीनी गतिविधियों पर यह तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल चीन ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे को लेकर विरोध दर्ज कराया है और भारत के इस कदम से सीमा विवाद के केवल और जटिल होने की बात कही है। चीन ने फिर भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया है। पीएम मोदी ने बीते शनिवार को ही अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। ये सुरंग सामरिक महत्व रखने वाले तवांग तक हर मौसम में सड़क संपर्क मुहैया करेगी और इससे सीमांत क्षेत्र में सैनिक आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। असम के तेजपुर को अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ने वाली सड़क पर यह सुरंग बनाई गई है। इसे इतनी ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी दोहरी लेन वाली सड़क सुरंग बताया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक तो चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित विभिन्न अग्रिम स्थानों पर सैनिकों एवं हथियार प्रणाली सेला सुरंग के जरिए सुगमता से पहुंचाई जा सकेगी। और अब जब अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताने वाले चीन को अरुणाचल प्रदेश में हो रहे इन विकास कार्यों की जानकारी हुई तो वह आपत्ति जताने लगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, जेंगनान इलाका चीन का भूभाग है। चीन ने भारत के तहत अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है और इसका पुरजोर विरोध किया है। चीन भारत सीमा का हल अब तक नहीं हुआ है। भारत के पास चीन के जेंगनान के इलाके का मनमाना विकास करने का कोई अधिकार नहीं है और वैसे भी अपने दावे को मजबूत करने के लिए समय समय पर चीन ऐसा पहले भी करता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा चीन को बताया है कि वो चाहे कितना ही दावा क्यों ना ठोक ले, लेकिन जो हिस्सा भारत का है वो भारत का ही रहेगा। उस पर चीन का लाख दावा भी उसे उसका नहीं बना पाएगा। वैसे जिस तरह की चीन की तिलमिलाहट पर भारत ने उसे खरी खोटी सुनाई है, चीन की आपत्तियों को जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।